guys, so we are entering our studio where I shoot the videos. I promised you guys ke studio tour dungi, to main ab dene ja rahi hu. Since anyway we don't have much to do in this vlog, so I thought I'll give you a studio tour in this one. Now disclaimer, it is not a fancy setup, it's a very useful and resourceful room. I've only kept things जो मुझे ज़रूरत पड़ती है, जिनके लिए मैं स्ट्रगल करती थी, जिस चीज़ों के लिए. एंड सो यू डोंट प्लीज़ एक्सपेक्ट एनीथिंग फैंसी. डिस्क्लेमर नंबर टू, मैंने स्टूडियो टूर देने से पहले स्टूडियो को बिल्कुल ठीक नहीं किया. जैसा एक्चुअल में होता है वैसा ही है, ठीक है? साफ होता है, साफ है, बट हाँ ये नहीं कि सामान पूरा अच्छे से लगा लूँ एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं. जो जिधर है वैसा ही है. लाइट्स ऑन कर दिए, लेट्स स्टार्ट दिस. सो ये है दरवाज़ा मेरे स्टूडियो का, वी एंटर. देन लेफ्ट से शुरू करते हैं. यहाँ लेफ्ट पे है जो एक क्लोथिंग रैक मुझे कमल ने दिया था. राइट उसके ऊपर मैंने ये बहुत पहले से मेरे बेडरूम में लगी हुई थी इस तरीके की एक लीव्स की, ये तो मैंने इस पे लगा दी है टू जस्ट मेक इट लिटिल कलरफुल. उसके बाद यहाँ पे वो कपड़े होते हैं यूजुअली जो मुझे, जो मेरा प्लान होता है कि मैं जल्दी ही पहनूंगी अपनी वीडियोज़ के अंदर इसमें से, इसीलिए आप देखोगे कुछ मैं पहन चुकी हूँ. दिस आई वोन, this dress I've worn, so I plan to wear these things as well in my future videos. और इस rack के नीचे यहाँ पे एक space है shoes के लिए, तो यहाँ पे मैंने अपने कुछ shoes रखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने flats रखे हुए हैं, एक और mat बिछा के उसके बाद ऊपर मैंने flats रखे हैं. यहाँ पे heels वाले boots हैं, just another डब्बा and yeah. Now coming to this, it's my silver play button which is right next to this. इसको टांगने की कोई जगह नहीं थी, यहाँ पे टीवी का लगा हुआ था, इसके ऊपर ही लगा दिया इस तरीके से. Next to this, these are very very messy racks. इनको मैं कितना भी ठीक करने की कोशिश कर लूँ कभी ठीक नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर PR और collabs और ये सब कुछ पड़ा रहता है. So next to this is this, and this side ends, guys. That's it. It's a very very small room. Then here I have curtains and here I have my steam iron, जो मुझे अक्सर इस कमरे में ज़रूरत पड़ती रहती है. लाइक मुझे जो भी यहाँ से पहनना है वो मैं पहले यहाँ पे iron कर लेती हूँ, then I wear. Then full size windows जहाँ से मैं light लेती हूँ. Also I have a ring light जो शूट के टाइम पे मैं ऑन कर लेती हूँ, तो इसलिए इस टाइप पे भी ऑन है. देन आई हैव माई ट्राईपॉड हियर, और सब चीज़ों का सेटअप उधर हो रखा है, लाइक रिंग लाइट भी इसी से चल रही है और एक दो चीज़ें भी जल रही है इससे. देन वी हैव अ कार्पेट हियर, वी हैव माई बच्चा हियर. सो इस कार्पेट पे मैं बैठती हूँ एक्चुअली और यहाँ पे शूट करती हूँ, ठीक है? नाउ दिस साइड वी हैव माई वैनिटी, जो आप लोगों को पता ही है, जो पहले बेडरूम में पड़ी होती थी, और उसके ऊपर ये मिरर है जो वहाँ पे पड़ा होता था. एंड देन वी हैव अ स्मॉल मिरर, देन वी हैव अ कैंडल, देन वी हैव अ ट्रे जो आपको हॉल में दिखाई देगी, एक मैंने नई मंगवाई है. देन मेरे रेगुलर जो यूज़ मैं करती हूँ यहाँ पे वो सामान है. देन नेक्स्ट टू दैट इज़ माय फुल साइज मिरर, जो बहुत पुराना है बट मैंने यहाँ रखा हुआ है, मेरे काम आ जाता है जब मुझे अपने आप को पूरा ऊपर से नीचे तक निहारना होता है उसके लिए. देन इस वॉल पे ये कुछ सजाने के लिए नहीं है, यहाँ पे मैंने दो तीन चीज़ें ऐसी लगाई हुई हैं जो मैं बेसिकली प्रॉप्स की तरह पीछे इस्तेमाल करती हूँ. तो जैसे ये है, आप देखते हो मेरे वीडियोज़ में ना यूजली ड्रीम कैचर, तो कभी ये लगा लिया, कभी वो लगा लिया, कभी ये लगा लूँगी, कभी ये लगा लूँगी, तो इस तरीके से मैंने सब कुछ यहाँ पे टांगा हुआ है. उसके बाद ये आप देखते हो प्लांट हमेशा मेरे बैकग्राउंड में, तो ये और ये का सेटअप आजकल मेरी वीडियोस में है. इसके ऊपर बुक शेल्फ है और ये इस पे मैं बैठती नहीं हूँ, ये वैसे मैंने रखा हुआ है सेटअप, बिकॉज इसको गद्दे को रखने की कहीं और जगह नहीं थी. बैठती मैं यहाँ पे हूँ वैसे, और पीछे बैकग्राउंड में आपको वो प्लांट दिखता है और ये, और मैं कुशन्स तब हटा देती हूँ या फिर व्हाटएवर, मतलब मैं सेटिंग कर लेती हूँ बेसिकली. एंड दिस इज इट. Also another very good thing, okay, I'm proud of myself. Like I've been sent a phone, guys, phone, a premium phone, mehenge wala phone for a review. To matlab main soch rahi thi, ha matlab you know main khush hu, matlab mujhe aise lag raha hai ki wow, matlab I've been sent a phone for review. To ye LG ka phone hai, LG walon ne mujhe phone bheja hai, to wo bhi main aap logo ko dikhati hu. And basically proud of myself reviewing such a premium product. Okay, so ये रहा फोन विंग LG का. मैं बहुत excited हूँ, पता नहीं क्यों, obviously मतलब मुझे पता है क्यों. इसको मैं खोल लेती हूँ. Okay,
Oh my God! Okay. ये तो कुछ और ही निकला भाई. इसीलिए इसका नाम विंग है क्योंकि ये देखो इसका विंग निकल गया है ऐसे. तो इट्स अ डुअल स्क्रीन फोन गाइस. दिस इज सो डिफरेंट. और ये मलाई है, इसका जो स्विवल है ना मलाई है, मतलब मस्त है यार. पीछे से ऐसा दिखता है और ये ऐसे है. ओए तेरी. चलो अब हम सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं. पहले ऑन कर लेती हूँ इसको. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए टेस्टिंग करना कि इसका कैमरा कितना अच्छा है, यानी कि वीडियो कितनी अच्छी लेता है. मैं तो मतलब अगर मैं लूंगी तो मैं तो सबसे पहले यही देखूंगी कि इसकी क्वालिटी क्या है कैमरा की, लाइक व्लॉग्स वगैरह कैसे रिकॉर्ड करेगा. बहुत अच्छा टच है यार. ओके यार, कलर्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, अंदर ब्राइट लग रहे हैं एकदम. ये देखो क्या मस्त लग रहा है. अच्छा एक और चीज दिखाती हूँ. अब अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ ना, तो अब ये यहाँ पे ना जॉयस्टिक आ गई है, इससे हिला सकती हूँ. ओ गॉड, सो आई डोंट एक्चुअली हैव टू मूव माय हैंड. आई कैन जस्ट ये लेफ्ट, ये राइट. यार ये तो बड़ा कमाल है यार. देन देयर इज डुअल रिकॉर्डिंग. सो नाउ आई हैव टू कैमरास गाइस, लुक एट दिस. Now here I can see myself. ये देखो. और यहाँ पे ये सामने से बेसिकली दोनों कैमरा काम हो रहे हैं. ये देखो ये कैमरा बाहर निकल आया, दोनों कैमरे बाहर आ गए हैं. तो अभी वो सब कुछ साथ में रिकॉर्ड कर रहा है. ये देखो एक में मैं दिख रही हूँ आप लोगों को, ये देखो ठीक है. और एक में इधर सामने जो भी चीजें हैं लाइक ये सब कुछ, मेरा अट्टू भी दिख रहा है. ये देखो एक में मैं, एक में अट्टू. क्या बात है. तो दोनों चीजें साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है बेसिकली. मतलब ये दो चीजें तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था किसी फोन में हो सकती है. क्या भला, एक तो ये जो ऐसे ऐसे ये देख रहे हो, ये क्या बात है. तो मतलब अगर मैं मान लो साथ साथ नीचे कुछ काम कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग कुछ चल सकता है. जैसे मान लो नीचे मैं कुछ काम कर रही हूँ और ऊपर मेरा कुछ चल रहा है, जैसे कुछ कोई वीडियो चल रही है, कुछ ऐसे हो सकता है. एक चीज मुझे ये बड़ी डिफरेंट लगी और दूसरा वही कि फ्रंट कैमरा और रेयर कैमरा दोनों साथ में काम करें. अमेजिंग. बहुत बढ़िया यार, वेरी वेरी डिफरेंट फोन. अगर आपको कुछ नया फोन लेना है अभी तो देख लेना, नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में. इट्स ब्यूटिफुल. ओके नाउ आई हैव टू डू वन लास्ट वेरी इंटरेस्टिंग वर्क. सो हम कुछ पांच लोग मिलके इंस्टाग्राम पे एक गिव अवे होल्ड कर रहे हैं. लीशा है, आशी, श्रद्धा है, मैं हूँ, तो इस फैबी है. तो हम पांच लोग मिलके गिव अवे कर रहे हैं आप लोगों के लिए. तो उसमें जो गिव अवे की जो फोटो है वो मेरे को क्लिक करनी है. मैंने प्रोडक्ट्स अलग कर लिए हैं, 5,000 rupees वर्थ प्रोडक्ट्स हम सब लोग कर रहे हैं. लाइक टोटल 25,000 rupees का ये गिव अवे है. और हाँ, तो 5,000 सब कर रहे हैं ठीक है. तो मैंने प्रोडक्ट्स निकाल लिए थे कि मुझे कौन से करने हैं. मुझे उनकी कूल सी अच्छी सी फोटो खींचनी है गिव अवे वाले पोस्ट में डालने के लिए. तो अब हम वो करेंगे. ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, 5,000 से ज़्यादा के ही हैं थोड़े. ये मैंने एग्जैक्टली ऐसे काउंट नहीं किया, बट आई एम श्योर 5,000 से ज़्यादा है. तो अब इसकी हम अच्छी सी क्यूट सी फोटो लेंगे. एक्चुअली आई थिंक ये ट्रे का ऑप्शन बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा लगेगा. इसको खाली कर लेते हैं और फिर हम इसमें फोटो लेते हैं. यप. ओके ये सेटअप कर लिया इस ट्रे के अंदर मैंने, और यहाँ पे ये फर वाला व्हाइट कपड़ा बिछा लिया है. एंड नाउ आई एम गोना टेक द फोटो एंड वी विल बी डन. हाँ जी भाई, क्या शैतानी करके बैठे हो हैं? क्या शैतानी करी है आपने? ये जो जीभ निकालती है ना बार बार मिष्टी, क्या शैतानी करी है? ये वाली. तब इसने पक्का कुछ तो कांड किया होता. क्या किया छोना ने? हैं? कहाँ गल है? तू खिड़की के बाहर देख रहा है? अब मिष्टी मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करती. जब मम्मा काम करती ना अंदर रूम में, आराम से आके यहाँ पे मी टाइम लेने बैठ जाती है. और एटम हमारा एटम कहाँ है? ये रहा हमारा एटम. मिष्टी नो. वो रहा हमारा एटम. हाँ जी ये लो.
So all right guys, hope you guys enjoyed this small cute little vlog. If you did, let me know in the comments. और जो फोन मैंने आपको दिखाया था उसका description box में मैंने link डाल दिया है, check कर लेना. And yeah, this is it. I'm gonna see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.